Assalamu Alaikum dear students I am Anjum Shafiq your biology teacher for grade 11 and today I'm going to start our new chapter that is chapter number 10 Kingdom Animalia so let's move to the class board so chapter number 10 that is kingdom animalia the last kingdom of the five kingdom classification system dear students uh, in this kingdom we are going to discuss all the fundamental uh, characteristics belonging to the major phyla of the of this kingdom yeah. so kingdom animalia ऑल एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं सबके सब इस किंगडम में शामिल किए जाते हैं यह वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड है वहां से यह डिराइव हुआ है इफ यू टॉक अबाउट दायवेशन Animalia is derived from Latin word that is anima. Which means breath or soul, breath or soul to Harfo Jandar. जो जिसके अंदर अमल तनफस मीन्स रेस्पायर करता था जिसके अंदर विजिबल थी ये रेस्पायरेशन और उसमें ये ब्रेथ उसी सही है ठीक है रेस्पायरेटरी सिस्टम जिसके अंदर जो विजिबली दिखता था पता चलता था कि सांस ले रहा है या फिर ये रूह के सेंस में जब भी कोई एनिमल की डेथ होती थी सो उसमें से वो डेड हो जाना और उसमें से उसकी जो सोल है उसका एस्केप हो जाना सो so बेसिकली ये वहीं से ये कंबाइंडली डराइव वर्ड है लैटिन एनिमा जिसका मतलब ब्रेथ या सोल ऐसी जानदार चीज जो सांस लेती हो जिसके अंदर रूह का कॉन्सेप्ट हो सो इट इज़ अलॉन्गो इन द हिस्ट्रीज ऑफ द लैटिन वर्ड्स अब अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स के किंगडम एनिमेलिया की या इन एनिमल्स की तो दो तरह के हमने जो किंगडम सिस्टम्स पढ़े अगर हम ट्रेडिशनल किंगडम सिस्टम की बात करें तो उसमें से दो तरह के एनिमल्स शामिल हैं ट्रेडिशनल टू किंगडम क्लासिफिकेशन उसमें दो ही किंगडम्स थे एक था किंगडम एनिमेलिया और दूसरा किंगडम प्लांटी इसको डिस्कस किया था चैप्टर नंबर फाइव में वहां पर आपको याद होगा अकॉर्डिंग टूम देर ओनली टू किंगडम एनिवेलिया एंड किंगडम प्लांटी नंबर टू

एंड फोटोजोआ क्लियर मैटाजोआ बेसिकली इसका जो सब कैटेगराइजेशन है किंगडम की इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर Animals and protozoa. It consists of one-celled animals. और आपको you पता है know, one-celled animals में कौन-कौन शामिल हैं? जिन कॉम हम पढ़ भी चुके हैं चैप्टर नंबर सेवन में प्रोटोजोन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पैरामिशियम एक्सेट्रा प्लाज्मोडियम और मल्टी सेलर की बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमंस क्लियर इसमें एक एग्जाम्पल

Five Kingdom Classification System by Robert Whitaker. So, according to him, the animals say. वो ट्रू मल्टी सेल उनके कुछ करेक्टर सिक्स हम पहले भी पढ़ चुके रिवाइज कर लेते हैं सो अकॉर्डिंग टू दिस एनिमल्स आर नंबर वन दे आर ट्रू मल्टीसेलुलर दे आर ट्रू मल्टी Cellular, they are eukaryotic and they are diploid and they are ingestive heterotrophs. They are formed or developed from union of haploid gametes और haploid gametes में अगर हम बात करेंगे तो दो तरह के gametes हैं द लार्ज एग सेल एंड स्म स्पर्म सेल्स तो इन दोनों के यूनियन से बनता है दोनों है इसका कंसेप्ट अब बार बार डिस्कस कर चुका हूं आपसे न्यूक् विद वॉपी ऑफ जेनेटिक मटीरियल और क्रोमोसोम्स या फिर ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस के अंदर अनपियर्ड क्रोमोसोम होते हैं उनको भी हैप्लॉइड जो है वो सेल्स कहा जाता है सो दीज आर गैमेट्स, दे हैव यानी कि एक सेट है के पास क्रोमोसोम्स का क्लियर okay? और uh, इसके साथ दे कैन दे कैन लोकोमोट दे कैन लोकोमोट मीन्स दे कैन चेंज देयर बॉडी पोजिशन सो दीज आर फ्यू करेक्टरिस्टिक्स of the animals kingdom animalia according to the five kingdom classification so this one is case of say have protozoa i've got five kingdom classification in five kingdom classification in five kingdom classification system Protozoa belongs to belongs to Kingdom Protoctista. सो so, ये एक अलहदा से किंगडम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम में ये दोनों ही एक ही किंगडम में शामिल थे मेटाजोन्स एंड द प्रोटोजोन्स जबकि फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन विच वि बाई द विटेकर द प्रोटोजोआ इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल्स बिकॉज ऑफ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो इस वजह से इनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया था और किंगडम प्रोटेस्टा में जहाँ पर तमाम किंगडम तम से ऑर्गेनिजम्स को रिमूव किया क्या एक्सक्लूड किया गया उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर शामिल कर दिया गया तो प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा एमसीक्यू इसके लिए भी मार्क ली कर लीजिएगा क्लियर और ये जनरल फीचर्स यहाँ पर दिस इज आल्सो एमसीक्यू एनिमा व्हिच मींस ब्रेथ और सोल मेटाज़ोआ एंड प्रोटोजोआ शॉर्ट क्वेश्चन अब हम बात करते हैं इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे

और इसी पैटर्न के तहत जो है हमने आगे मूव करना है सो so, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वर्चुअली ऑल बायोलॉजिस्ट ये दैट इज द स्टेटमेंट सो दे बिलीव दैट एनिमल्स हैव है फ्रॉम द प्रोटेस्ट यानी कि इनके जो एनसेस्टर्स हैं इनके आबाव वो प्रोटेस्ट हैं ऐसा मानना है बायोलॉजिस्ट का सो एनिमल्स और एनिमिलिया सो उसमें हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करें सो वी आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स क्लियर वी आर मेटाजोन्स वी आर मेटाज़ोन्स, सो प्रोटेस्ट एंसेस्टर्स तो यहां से जो है वो कहानी स्टार्ट होती है और एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये दो तरह तो के थे ठीक है जो सब किंगडम हमारे पास आ रहा है एनिमिलिया का सो आर टू नंबर वन इज द पैरासुआ और दूसरी इसी की कैटेगरी यहां से एराइज होते हैं यू मैटर तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी मैं रिलेशनशिप पढ़ाने लगाऊं जब हम इस चैप्टर को एंड करेंगे टेबल में दोबारा आपके सामने जो है ड्रॉ करूंगा तब आपको बिल्कुल क्लियर कर ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी परेशानी होना इसकी टर्मिनोलॉजी जो है और इसका जो पैटर्न हमारा इस चैप्टर में किस तरह से डिफरेंट फाइलर रिलेटेड है यह उसके हवाले से है ठीक so, so, है सो एज इट इज गिवन इन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर सो जो पैरासून हैं इनके अंदर एक फाइलम जो डिस्कस होगा दैट इज फाइलम पॉरीफेरा तो डर फ्रोल्स जितने भी मैं नाम लिख रहा हूँ ये फाइलम कापस में जो जो डिफरेंट फाइला हैं उनका कापस में रिलेशनशिप है और यू मैटोजोन्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू तो। ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड ऑन ग्रेड रेडिएटा टरी के तहत के ऊपर रेडिएटर एंड बाइलेट्रिया ये दो ग्रेड्स हैं रेडिएटर जो है इसमें एक ही फाइलम हम डिस्कस करेंगे द सिंपलेस्ट वन आर क्लियर? और बायोलेट्रा इसमें आगे रियर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है की, चूंकि बायोलेट्रल सिमिट्री है दो हाफ्स में हो सकते हैं सो बायोलेट्रा देर डिवाइडेड इन टू थ्री सब कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी कैविटीज बॉडी कैविटी के बिहाफ के ऊपर ये तीन तरह के हैं A silomates and pseudosilomates and silomates. तो बॉडी कैविटी के बिहाफ के ऊपर जो ग्रेड रेड बाइलेट्रो है वो आगे तीन कैटेगरी बॉडी कैविटी नहीं होती है इसी वजह से इनको ए सिलोमेट्स कहा जाता है इनके अंदर एक ही फाइलम हम हमने डिस्कस करना है दैट इज प्लेटी हेलमेंथीस प्लेटी हेलमेंथीस या फिर इनको कहा जाता है फ्लैट वार्मोसिलोमेट्स यानी के अंदर भी एक ही फाइलम डिस्कस करना है दैट इज एस खैंथीस दीज आर द राउंड वर्म्स इनको राउंड वॉर्म्स कहा जाता है क्लियर और फिर जो सिलोबेट्स हैं ये फर्दर आके दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, इन टू प्रोटीरोस्टोम्स एंड ड्यूटीरोस्टोम्स and deuterostomes Storms. A proto storms may further, there are three phyla starting from number one, there is roundworms uh, they are included in the eschalmentese then is annelida then is arthropoda and the third one is mollusca सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स और डिट्यूरोम्स भी आगे तीन कैटेगरी में डिवाइडेड हैं इनटू इंटूनोडर्म्स और एकटा स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स स्टारफिश वगैरह स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे और दूसरा इसमें हैमिकॉर डेटा और तीसरा इसमें द कॉर्डेटा डेटा कॉर्डेटा कॉर डेटा ये क्लासिफिकेशन है जिसके तहत फाइला की क्लासिफिकेशन जिसके तहत इसी पैटर्न के तहत हमने आगे तमाम जितने भी फाइलम हैं उनको डिस्कस करना है सो so, पॉरीफेरा इनके अंदर स्पॉन्जेस हैं दे हैव कॉट इनको हम स्पॉन्जिस कहते हैं क्लियर और ये ए एनिमल्स यहाँ पर हैडिंग आएगी ए और ये हैं हैंट्रिकल और यहाँ पर सिमिट्रिक के बिहाव के पर बाइलेट्रिया और रेडिएटा और सीलनट्रीट्रा इसमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और जो रेडिएटा है एक्चुअली ये डिप्लोप्लास्टिक और बायोलिट्रा दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और फिर ट्रिपलो प्लास्टिक उन्हें बॉडी कैविटी के बिहाफ के ऊपर यहाँ पर नो बॉडी कैविटी इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताना चाह रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको रिव्यू करने में आसानी रहे और यहाँ पर फॉल्स बॉडी कैविटी इन सूडो सिलोमीट सूडो का मतलब ही फॉल्स होता है और यहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी सिलोम अब वो सिलोम बंदी किस तरह से है आउट पॉचिंग से या आर्केंटीर से आर्केंटीरान की आउट पॉचिंग से या फिर दूसरे से उसके मिजोराम को स्प्रेड करने से तो उसके भी हाफ के ऊपर ड्यूट्रोस्टोम्स और प्रोटीरोस्टोम्स। और इसी तरह से फिर आर्थ्रोपोडा इसमें हम पढ़ेंगे वो ज्वाइंट फिटेड एनिमल्स ये इनवर्टिब्रेड्स है और फिर सॉफ्ट पॉटेड एनिमल्स यू है थोड़े से लिख रहा हूं ज्वाइंटेड फीट आर थ्रोपोर्ट्स एंड एनेट्स दे आर सेगमेंटेड वर्म्स Echinoderms, they are spiny-skinned animals. Or hemichordates, they are in between echinoderms and chordates. And chordates, they are the actual vertebrates. Clear? Or, then chordates, what? are those superclasses. किया के और फिर आगे मस्जिद इनकी यानी कि सब क्लासिफिकेशन मौजूद है वो आगे चलकर हम इसको करेंगे फाला डिस्कस करेंगे जब फाइल को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे सो टू सो फुली आज का लेक्चर भी आपको क्लेरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़